हे फ्रेंड्स, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं एमसीक्यूज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के। इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की चार वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, तभी जाके आपको आज के एमसीक्यू समझ में आएंगे। टोटल मिला के 20 एमसीक्यूज है, नया टॉपिक है तो इसके मैं ढूंढ ही रहा था, तो मुझे टोटल मिला के अराउंड 18-20 एमसीक्यूज मिल ही गए। तो और मुझे जैसे मिलते जाएंगे तो एग्ज़ाम से पहले जैसे भी हो सका, यानी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज एक साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ सिंपल है शुरू में, फिर धीरे धीरे टिपिकल होंगे। कुछ पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी मुझे मिले हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जीडीआर एडीआर के, तो वो भी मैंने इसके साथ कवर कर लिए, ठीक है। और वैसे तो आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्योंकि कुछ भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज एक तरीके से आपकी थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड यानी उसको समझने में आपकी हेल्प करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल असेट्स इज आर ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट पे मैंने आपको बताया था, ऐसे तो मैंने सेगमेंट्स भी बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे इंटरनेशनल क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट होता है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड्स भी आ गए, स्टॉक्स भी आ गए, मतलब इक्विटी से रिलेटेड पार्ट भी आ गया, तो वो सारी फाइनेंशियल असेट्स या सिक्योरिटीज़ इसमें आ जाती है। डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेगमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सारा मैंने आपको टोटल मिला के 5 सेगमेंट बताए थे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 5 ही सेगमेंट होते हैं। जैसे आर्बिट्रेज मार्केट बोलोगे तो वो जनरली क्या है, आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट में सिक्योरिटी खरीद के साइमल्टेनियसली दूसरे पर्टिकुलर मार्केट में उसको बेचने का काम कर रहे हो। मतलब आपने आज जैसे सपोज करो कि एक पर्टिकुलर मार्केट में, स्पॉट मार्केट में कोई सिक्योरिटी खरीदी और आपने उसका उसी दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइमल्टेनियसली अगर आपने ये पार्ट कराया तो वो आर्बिट्रेज में आ जाता है। स्पेकुलेशन क्या होता है कि आप क्या करते हो, आज खरीदते हो, उसको होल्ड करके रखते हो, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर करता है, और उसको लगता है कि वैल्यू बढ़ रही है, उसको वो डेढ़ एक साल दो साल तीन साल तक होल्ड करके रखेगा या कल ही बेच देगा। तो इसका मतलब क्या है, वो खरीद के उसको बेच रहा है, तो जनरली वो स्पेकुलेशन के पर्पज के लिए कर रहा है। आर्बिट्रेजर तो क्या करेगा, मार्केट में जो डिस्क्रिपेंसी है उसके थ्रू क्या करेगा, प्रॉफिट कमाने की करेगा, जो कि मैंने पिछली ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज मार्केट भी आप कह सकता है, जैसे मैं बोलूँगा इंटरनेशनल ऑप्शंस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो जब आप नेट पे देखते हो तो कभी 5 दिखते हैं, कभी 8 सेगमेंट्स दिखते हैं, तो सेगमेंट का मतलब ये नहीं कि फिक्स है, आपको पता है कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट में क्या आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो क्या बोल रहा है, थर्ड देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बोल रहा है, विच कंट्री इज़ नॉट यूजिंग द यूरो। ग्रीस कर ही रहा है, इटली कर रहा है, पोर्चुगल भी कर रहा है, स्वीडन नहीं कर रहा। कह रहा है विच कंट्री इज़ नॉट यूजिंग द यूरो, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो आपको जो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है उसमें बताया था, यहाँ पे जाके आप चाहे देख सकते हो। देखो जैसे शुरू शुरू में देखोगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कैसे ढूंढना है। जैसे मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूरो करेंसी, मतलब इसकी मैंने सेकेंड वीडियो बताई थी, तो सेकेंड वीडियो में शुरू शुरू में आपको दिख जाएगा कि टोटल जो मेंबर है 27 मेंबर है यूरो के, लेकिन उसमें यानी यूरोपियन यूनियन के, उसमें से जो 19 मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यूरो करेंसी का। 19 मेंबर हु आर ईयू मेंबर्स एंड यूज़ द यूरो, यानी ईयू के मेंबर भी और यूरो करेंसी का यूज़ भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ईयू मेंबर हो वही यूरो करेंसी का यूज़ करो, नॉन ईयू मेंबर भी कर रहे हैं, नॉन ईयू कंट्रीज़ में मैंने बताई थी, क्योंकि 25 कंट्रीज़ प्लस 5 टेरिटरीज़ बताई थी। तो 19 के अलावा 6 जो नॉन ईयू कंट्रीज है वो भी यूज़ कर रही है, लेकिन टोटल 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के, याद रखना किसके, यूरोपियन यूनियन के, उसमें से 19 मेंबर यूज़ कर रहे हैं और जो बाकी मेंबर है वो यूरो करेंसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था भी ग्रीस, इटली और पोर्चुगल यूज़ कर रहे हैं, और जो यूज़ नहीं कर रहे हैं मैंने ऊपर लिखे हुए हैं कि जो बाकी 8 ईयू मेंबर्स हैं वो अडेप्ट, उन्होंने यूरो अडेप्ट नहीं कर रखा। बुल्गेरिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। तो अपना जो आंसर था वो क्या था, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या है, स्वीडन। तो इस तरीके से मैंने कवर कर रखे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कंट्रीज यूजिंग द यूरो एज ए करेंसी इज नाउ कंडक्टेड बाय, तो आपको पता है कि कौन करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये भी आप ये प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ कि जनरली ज़्यादातर मैं सारा पार्ट कवर कर ही लेता हूँ, ठीक है। मोस्टली रह जाता है कि कोई एक तो पर्टिकुलर पॉइंट रह जाता है, नहीं तो मेरी पीडीएफ में सारा का सारा पार्ट कवर होता ही है। तो यूरो इज मैनेज्ड बाय वन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब जैसे आप कई यूट्यूबर्स देखोगे
जैसे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो देखी, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, इंस्पेक्शन भी करता रहता हूँ कि कौन सी वीडियो सही है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं कि आपको नॉर्मल कोई पार्ट आएगा वो समझाएंगे, बस बोल देंगे और चार पार्ट में से एक बता देंगे। आपके कोई टिपिकल पार्ट आएंगे वहाँ पे आपको समझाएंगे नहीं। यहाँ या तो क्या करेंगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको नीचे उसको सुनाना है कुछ कि भाई तूने सही नहीं बताया, तो वहाँ पे वो कमेंट को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। या जो लाइक डिसलाइक है, कभी कभी आप देखोगे कि आप लाइक भी कर लो या डिसलाइक भी कर दो, वो शो नहीं होता, तो वो लाइक डिसलाइक को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो इस तरीके से भी कर लेते हैं कई कमेंट में। ज़्यादातर ये आपको दिखेंगे वर्किंग कैपिटल वाली वीडियोज़ में, क्योंकि उसमें लोगों ने कईयों ने क्या कर रखे हैं, कमेंट डिसेबल कर रखे हैं, या फॉरेन एक्सचेंज वाली में भी कर रखे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उन्होंने कई कई क्या है गलत भी बताए हुए। तो यहाँ देखो बोला है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कंट्रीज़ यूजिंग द, ये तो मैंने बता ही दिया कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब देखो आपको बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ यूरो करेंसीज़। तो जनरली यूरो करेंसी क्या है, पिछले वीडियो में वो तो मैं बताना ही भूल गया था, बस मैंने क्या करा था, ज़्यादातर आपको पॉइंट बताया, लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं कि यूरो करेंसी से रिलेटेड पार्ट क्या रहेगा सर। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में कवर कर रखा है। वैसे अगर आप ये चार ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो पाउंड स्टर्लिंग यूके से रिलेटेड है, मार्क जर्मनी से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि जो डॉलर है वो किससे रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड। ये विदिन बोल रहा है और ये आउटसाइड बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या, अगर आपने डॉलर यूएसए के बाहर किसी पर्टिकुलर बैंक में जमा कराए हैं तो वो क्या कहलाएगी, यूरो करेंसी। अब देखो करेंसी के साथ क्या लग जाएगा, यूरो डॉलर। जैसे सपोज करो कि जापान की करेंसी है येन, तो मैं जापान में बैंक में जमा नहीं करा रहा, मैं क्या करा रहा हूँ, सपोज करो इंडिया के बैंक में जमा करा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, जापान कंट्री के बाहर जमा करा रहा हूँ। तो जापानीज येन को अगर आप जापान में नहीं जमा कराओगे और बाहर जमा कराओगे तो वो क्या कहलाएगी, यूरो करेंसी, मतलब यूरो येन ऐसे हो जाएगा। तो बोला यूरो करेंसी इज़ द करेंसी हेल्ड ऑन डिपॉजिट आउटसाइड इट होम मार्केट, यानी आप अपनी होम कंट्री के बाहर जिसको जमा करा रहे हो, दैट इज़ हेल्ड इन बैंक लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंट्री विच इशू द करेंसी। इसका मतलब होम करेंसी, जैसे मैं बोलूँगा कि इंडियन रुपीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं जमा करा रहा, बाहर जमा करा रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएंगे, यूरो रुपी ऐसे आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिटेड इन ए सिंगापुर बैंक इज यूरो करेंसी, और मोर स्पेसिफिकली यूरो डॉलर, तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, यूरो डॉलर डिपॉजिट। तो साथ में क्या लग गया, डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो कहाँ जमा कराएं, सिंगापुर में, सिंगापुर के बैंक में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरो करेंसी या यूरो डॉलर। तो हमारे ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे विद नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी विद नहीं हो रहा है, लेकिन ये आउटसाइड हो रहा है कि यूएस के डॉलर यूएस के बाहर किसी पर्टिकुलर बैंक में जमा कर रहा है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ए, यानी आंसर अपना होगा ए। अब सिक्स्थ में क्या बोल रखा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर इशूड बाई सक्सेसफुल कॉरपोरेशन विद ए व्यू टू अट्रैक्टिंग ओवरसीज लोन फंड्स, रेमिटेंस फ्रॉम NRIs, फॉरन इक्विटी कैपिटल, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी, आप ये मान के चल लो, आप चाहे तो आप अमेरिका की मान सकते हो, या नॉर्मल आप एग्जाम्पल ले लो कि इंडियन कोई कंपनी है, तो उस केस में क्या करेगी, अगर उसको बाहर के इन्वेस्टर से एक तरीके से पैसा चाहिए तो इन्वेस्टर डायरेक्टली तो मैंने बताया इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट की रिस्क रहेगी। तो उस केस में क्या करोगे, आप एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक करोगे उसी जगह का जहाँ पे आप उस इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल फ्रांस या अमेरिका, तो अमेरिका के किसी इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, चलो ये तो ग्लोबल है, तो उस केस में मैं अमेरिका नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं अमेरिका बोलूँगा तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएंगे, याद रखना। तो सपोज फ्रांस बोल देता हूँ, तो फ्रांस के इन्वेस्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, मतलब वो फ्रांस की कंट्री में ही है और आप इंडिया में हो, तो इंडियन कंपनी ने फ्रांस का जो एक बैंक हो गया मान लो, उसके साथ क्या कर दिया, जो कि एक ओवरसीज बैंक है जिसको हम कस्टोडियन बैंक भी बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी बैंक भी बोल सकते हैं, उसके साथ क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो शेयर है आप किसके पास रखोगे, अपने एक डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रखोगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा, इनको क्या कर देगा, वो शेयर दे देगा और ये शेयर पर्टिकुलर इस इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दे रहे हो। इन्वेस्टर क्यों सिक्योर हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक तरीके से आपकी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी कंट्री में ही बैंक से खरीद रहा है, लेकिन शेयर किसके हैं, आपके। तो एक तरीके से वो फॉरेन में इन्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन उसकी रिस्क भी इतनी नहीं रह रही है, या हम बोल सकते हैं एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रही है, और आपको भी क्या हो रहा है, ओवरसीज फाइनेंस मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, ए ओवरसीज लोन फंड। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने अभी यूरो करेंसी रिलेट बताई, इसमें मैंने GDR ADR पार्ट कन्वर्ट करवाया था, यानी कवर करवाया था। तो इसमें देखो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपको बताया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोमेस्टिक कंपनी, इस तरीके से मैंने एग्जांपल बताया था, कस्टोडियन होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, इस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का ही क्या होता है, एजेंट के फॉर्म में, या मैंने बताया कॉरस्पॉन्डेंस या एफिलेट पर्सन के फॉर्म में काम करता है। और इस इन्वेस्टर से आप क्या करना चाहते हो, इसको शेयर इशू करना चाहते हो, तो इस कस्टोडियन के पास रखे, कस्टोडियन ने इसको दे दिए, और ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, इसको जैसे ही देगा तो उस केस में ये जो इन्वेस्टर है एक तरीके से क्या मांगेगा, कोई स्लिप मांगेगा। स्लिप का मतलब क्या हो गया, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मांगेगा। तो उस केस में जो डिपॉजिटरी है इसको क्या करेगा, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा, DR, ठीक है। अगर ये पर्सन अमेरिका का हुआ और जो बैंक भी क्या हुआ, ओवरसीज डिपॉजिटरी अमेरिका से रिलेटेड हुआ, ये मान के चल लो, या जो भी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है जो कि अमेरिका से रिलेटेड हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएगा, वरना दूसरी अगर कोई कंट्री होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट जो इशू करता है वो कौन करता है, डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, विच परचेजेस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, जो कि फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज करता है, और वो किसको दे देता है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, एक तरीके से जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो दे देता है, और ओवरसीज इन्वेस्टर से जो भी पैसा मिलता है वो डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, इस डोमेस्टिक कंपनी को दे देता है। डोमेस्टिक कंपनी अपनी क्या करती है, फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। इस तरीके से आपका पार्ट आता है। अब देखो ये 7 जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पार्ट क्या चेंज हुआ कि मैंने दो ही इसमें बैंक कवर कराए थे, लंदन और लग्जमबर्ग। एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस द GDRs आर लिस्टेड। तो देखो मैंने बताया लंदन फिर और लग्जमबर्ग, ये दोनों बताए थे मैंने जनरली, लेकिन जैसे ही मैंने और स्टडी करी तो उसमें मुझे पता चला कि पार्ट क्या थे, यहाँ पे सिंगापुर भी आएगा और हांगकॉन्ग भी आएगा, और एक और आएगा नैसडेक दुबई। तो मैंने इसलिए नीचे लिख दिया है कि करंटली जो GDR ट्रेड होते हैं वो कहाँ होते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, लग्जमबर्ग में, नैसडेक दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और हांगकॉन्ग। तो अपने ऑप्शन में क्या थे वो देख लीजिए, अपने में क्या है कि ये था। अब जो देखो ये न्यूयॉर्क है ना, जो ये जनरली है ADR के लिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, या आप नैसडेक बोलोगे, दुबई नहीं बोल रहा, आप सिर्फ नॉर्मल नैसडेक बोलोगे तो वो अमेरिका से रिलेटेड ही है, तो उस केस में हम बोलेंगे ADR, ठीक है। लेकिन लंदन बोलेंगे, लग्जमबर्ग बोलेंगे, बॉम्बे तो आएगा नहीं, सिंगापुर और हांगकॉन्ग, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सिक्स, तो आंसर क्या होगा, D, ठीक है। और पहले वाले का आंसर याद रख लेना, GDR का क्या होगा, ओवरसीज लोन फंड्स। बाद में ये मत बोलना कि बताया ही नहीं या भूल गया, कभी कभी क्या होता है बताते बताते ध्यान नहीं रहता ना। अब देखो क्या बोल रहा है, 8th, बेनिफिट्स फ्रॉम अडॉप्टिंग ए कॉमन यूरोपियन करेंसी इंक्लूड रिड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एलिमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। तो देखो आपको खुद ही पता चल रहा है कि जब क्या करेंगे, एक कॉमन यूरोपियन करेंसी क्या करेंगे, जो भी मेंबर्स है, सपोज करो चलो वो 7 मेंबर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी 8 मेंबर्स यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन 19 मेंबर्स तो यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है वो भी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर 6 कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, क्योंकि टोटल मिला के 25 कंट्रीज़ और 5 टेरिटरी यूज़ कर रही है, तो उनकी क्या होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि एक तरीके से कॉमन यूरोपियन करेंसी है, तो एक्सचेंज की एक तो रिस्क नहीं रहेगी, ठीक है। और जब एक्सचेंज करते हैं तो उस केस में जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि आपस में आप क्या हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो और आप यूरोपियन करेंसी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये बोल सकते हैं एक तरीके से। तो बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग ए कॉमन यूरोपियन करेंसी इंक्लूड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एलिमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क, इंक्रीज प्राइस ट्रांसपेरेंसी दैट विल प्रमोट यूरोप वाइड कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या हुआ, यूरोप में जो भी लेस डेवलप कंट्री है वो भी डेवलप कंट्री के साथ धीरे धीरे कॉम्पिटिशन में आती जाती हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से प्राइस में ट्रांसपेरेंसी करने से ये सारा पार्ट हो जाता है। तो 8th में हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबो। और अगर डिटेल में देखना है तो आपको बहुत सारा पार्ट किस में दिख जाएगा, उन पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट में या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी मिल जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है, इश्यूज़ इन इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग इंक्लूड। तो आप सोचिए कि जब भी मैंने आपको इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग बताई तो उसमें क्या बताया, किससे रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क रहती है एक, तो क्योंकि आपको पता है कि जब आप क्या करोगे, दूसरी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचोगे, यानी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने की सोचोगे, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म फंड को इन्वेस्ट करना है, यानी आपको सॉरी अपने कैपिटल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, आप ये सोचोगे कि फ्यूचर में कैश इनफ्लो कितना रहेगा, जब वो कैश इनफ्लो अपने पास आएगा तो क्या स्पॉट रेट रहेगी, क्या पता जो वो स्पॉट रेट मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज तो नहीं हो जाएगी, तो जो हमने सोचा उससे कम तो ना हो जाए, तो हमारे को इनफ्लो कम मिले, तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क हो गई। पॉलिटिकल रिस्क मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में ही, एक्सप्रोप्रिएशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हमारा क्या हुआ इनफ्लो हुआ जिस सब्सिडी कंट्री में, तो क्या पता वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको इतना पैसा यहीं पर इन्वेस्ट करना है,
और अपनी कंट्री में नहीं लेके जाना, तो उन्होंने बोला 40% ये रखो बाकी 60% लेके जाओ, तो ये भी रह सकती है। इसके अलावा क्या पता वो हमारा पैसा जानबूझ के ब्लॉक भी कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सप्रोप्रिएशन और रिपेट्रिएशन मैंने बताया था एक तरीके से। फिर ज्योग्राफिकल रिस्क तो कोई होती नहीं है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। पेरेंट वर्सेज प्रोजेक्ट कैश फ्लो मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट सोच रहा है, मतलब होल्डिंग कंपनी सोच रही है, और जो सब्सिडरी कंपनी, कहने का मतलब जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट सोची है जिस कंट्री में, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि जब आपके पास पहुँचेगा तो उस पर टैक्सेस वैक्सेस लगने के बाद अमाउंट क्या पहुँचेगा, कम पहुँचेगा। तो जो पेरेंट का कैश फ्लो है, जो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो है, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये भी मैंने बताया था। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, इसका आएगा नाइन्थ का सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखिए टेंथ का क्या है, इन मल्टीनेशनल कैपिटल वेस्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय, तो याद रखना एनपीवी कॉमनली मेथड है जो यूज़ किया जाता है, और जब एनपीवी देखते हैं तो उस केस में हम क्या देखते हैं, फ्यूचर के कैश फ्लो देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप अपने करंट कैपिटल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप क्या देखते हो, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी, कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो। देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर, तो ये प्रॉपर नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो है, लेकिन देखो क्या बोल रहा है, हाँ फ्यूचर कैश फ्लो भी है, बिल्कुल सही, तो ये बी आएगा अपना आंसर। सी देखिए, हाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू है लेकिन प्रेजेंट कैश फ्लो, ये हो गया गलत। हम किसकी बात करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी हम अभी ही एस्टिमेट कर रहे हैं किसके हिसाब से, एक्सचेंज रेट रिस्क, इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क, इसके अलावा ये देखने के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, तो वो सारा पार्ट हम कवर करते हैं। रिस्क फैक्टर कैश फ्लो, रिस्क फैक्टर है लेकिन कौन से वाले, फ्यूचर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अपना जो टिपिकल ऑप्शन होगा या सही ऑप्शन जो होगा इन चारों में से, क्योंकि सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो नॉर्मल जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो की बात कर रहा है और नेट प्रेजेंट वैल्यू की भी बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है 11th, विच टेक्निक इज कॉमन यूज टू एस्टिमेट द कैश फ्लो इन मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, तो मैंने कौन सा बताया था आपको, कॉमनली मेथड यूज किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो ये तो सिंपल सा पार्ट था। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, अब ये कुछ बकवास से क्वेश्चन है, यानी आपको देखते ही पता चल जाते हैं। स्टेटमेंट वन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स द मार्केट फॉर फॉरवर्ड ऑप्शंस एंड स्वैप्स, तो सही बात है, सीधी सी बात है, फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन, स्वैप, वो सारा पार्ट फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड आ ही जाता है। ADR का मतलब क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऑस्ट्रेलियन, तो ये स्टेटमेंट टू क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, तो 12 का अपना आंसर क्या होगा, सी। अब 13 पे देखिए, 13 पे क्या बोलता है, ओके ये अभी डिपॉजिटरी रिसिप्ट का बताया था, सपोज ए कंपनी पब्लिकली लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो देखो मैंने ये नहीं बोला कि हर बार इंडियन कंपनी मानो, तभी मैंने बताया कि नॉर्मल आप समझो एग्जांपल, लेकिन आप उसके बाद उस हिसाब से सोचो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक कंपनी है जो पब्लिकली लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वांट टू रेज मनी फ्रॉम इंडिया, तो कहाँ रेज करना चाहती, इंडिया से, मतलब किसके पास जाएगी, इंडियन इन्वेस्टर के पास। अब डायरेक्टली तो जा रही नहीं है, ये बोल रहा है इट मे लिस्ट इट्स सिक्योरिटी इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कर दिया ना, तो नाउ इंडियन इन्वेस्टर कैन बाय द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, अब इंडियन इन्वेस्टर इंडिया से ही सिक्योरिटी खरीद रहा है, और यहाँ पे जो ये बाहर की कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका की कंपनी है, उसको बाहर के ओवरसीज इन्वेस्टर से पैसा मिल रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर है उससे रिलेटेड जो भी ओवरसीज बैंक होगा इंडिया में ही होगा, और वो क्या करेगा, एक तरीके से डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा, तो अपना कौन सा केस होगा, बी डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिटेल जानी है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। पिछली मतलब मैं बोल सकता हूँ कि शुरू शुरू की वीडियो देखना, कहने का मतलब सेकंड वीडियो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की, तो आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल में। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो होगा 13 का बी। अब देखिए 14 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेप्स फॉर इश्यूएंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, द शेयर ऑफ फॉरन कंपनी विच द DR रिप्रेजेंट्स आर डिलीवर्ड एंड डिपॉजिट, देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ना, द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी जो कि किसके फॉर्म में, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में, एंड डिपॉजिटेड विद द कस्टोडियन बैंक, बैंक दैट फैसिलिटेट्स द कंपनीज DR, जो कि कंपनी के डिपॉजिटरी रिसिप्ट को
एक तरीके से हेल्प करता है कि उसके जो डोमेस्टिक मार्केट में यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, यानी जहाँ पे अपना ओवरसीज़ बैंक है वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उनको आराम से सिक्योरिटी मिल जाए, और आप एक फ़ॉरेन कंपनी हो एक तरीके से। तो अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो मैंने आपको क्या बताया है बार बार कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा। डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे जाना चाहती है लेकिन इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, एक तरीके से लीड मैनेजर अपॉइंट होगा जो मैंने आपको बताया था, जो कि ओवरसीज इन्वेस्टर को बताएगा ये हमारी कंपनी है, इसकी पोजीशन ऐसी है, अच्छी है, यानी एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस सारा दिखा के उसको अट्रैक्ट करने की करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ओवरसीज इन्वेस्टर डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक ओवरसीज डिपॉजिटरी मतलब एक बैंक आ जाएगा जो कि क्या होगा डोमेस्टिक कस्टोडियन की हेल्प लेगा, मतलब एक तरीके से इसकी ब्रांच हो गई जो कि डोमेस्टिक कंपनी में एस्टेब्लिश है। ये डोमेस्टिक कंपनी इसको शेयर्स दे देगी, ये शेयर्स बाद में क्या होंगे इसके पास आ जाएंगे और ये इनको दे देगा, ये बदले में पैसे क्या करेगा इनको देगा और ये यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी के पास चले जाएंगे। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट नाम से, किसको, ओवरसीज इन्वेस्टर को, ठीक है। तो आपस में इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, तो आप ऐसे देखिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, तो इस तरीके से जेड फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही पार्ट बोल रखा है, तो अगले पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ शेयर्स द कस्टोडियन बैंक क्रिएट्स डीआर। देखो यहाँ पे आप कस्टोडियन बैंक समझ रहे हो, तो देखो नॉर्मल टिपिकल लाइन है, डिपॉजिटरी ओवरसीज डिपॉजिटरी में मैं बोल रहा हूँ, और मैंने बोला कि डोमेस्टिक कस्टोडियन भी उस बैंक ने ही अपॉइंट कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टोडियन बैंक मतलब वो ओवरसीज डिपॉजिटरी है, याद रख लेना। ऑन रिसिप्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ शेयर्स द कस्टोडियन बैंक क्रिएट्स डीआर, क्या करेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएट करेगा एंड इशू टू इन्वेस्टर इन द कंट्री। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसके पास होगी, इन्वेस्टर के पास, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर उसको बेच भी सकता है, क्यों, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिकन है तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नैसडेक यहाँ पे, और अगर मैंने आपको क्या बोला, हाँ, और एक अमेक्स नाम से भी होता है अमेरिकन कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे होता है, तो उसमें भी लिस्टेड होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। और जब आप ग्लोबल की बात करते हो तो लग्जमबर्ग, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, ये बताया ना, वहाँ पे लिस्टेड है, और एक और हाँ, नैसडेक दुबई में। दीज डीआरस आर देन लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इन्वेस्टर्स कंट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, सही बात है, क्योंकि तभी तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बाद में इसको आराम से डिपॉजिट रिसिप्ट को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है और बेच सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल आर द करेक्ट। अब है 15th, यानी अपने 6 और बचे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1, ए GDR इज ए बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्रीज फॉर शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी। देखो सही है नहीं है, आप बताओ। आपको मैंने दिया 2 सेकंड का टाइम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि लाइव वीडियो थोड़ी है। तो देखो ये GDR है, एक क्या है, बैंक सर्टिफिकेट है। बैंक सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो गया, वही ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को सर्टिफिकेट दे रहा है। आपको पता है कि ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, अमेरिकन मतलब क्या हुआ, एक अमेरिका में इशू हुआ, लेकिन ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, वो ग्लोबल इशू हो रहा है, ठीक। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो अमेरिका से रिलेटेड है और ग्लोबल क्या हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारी कंट्री से रिलेटेड हो गया। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज़ ए बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्रीज फॉर शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी। तो आपको पता है कि आप फ्रांस के इन्वेस्टर हो, तो आप आराम से इंडिया के शेयर्स यानी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, आप जर्मनी के कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी के क्यों खरीद पा रहे हो, क्योंकि वो डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू आपकी कंट्री में शेयर इशू कर रही है, ठीक। ए GDR इज़ वेरी सिमिलर टू ADR, ये भी सही है। GDR आर कॉल्ड EDR, यानी यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कब कहे जाएंगे, व्हेन प्राइवेट मार्केट्स आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरोस। तो जब आपको बताया कि आपको यूरो करेंसी चाहिए, तो आप यूरो मार्केट में जाओगे और यूरो इन्वेस्टर से वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लेने की करोगे, और अपनी होम करेंसी में बाद में इसको कन्वर्ट करने की करोगे और उसका यूज़ करने की करोगे। चाहे तो आप डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी आपको प्रोजेक्ट यूज़ करना है या FDI करनी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई मना ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही क्या है अपने, एक तरीके से करेक्ट है। तो 15 का आंसर होगा ए। अब देखिए क्या बोल रहा है 16। देखो ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट टर्म, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ए फॉरेन सिक्योरिटी ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस। याद रखना कि जब भी आर्बिट्रेजर होता है एक पर्सन, तो वो क्या करेगा, अगर सपोज करो स्पॉट में खरीद रहा है तो फॉरवर्ड में सेल करेगा उसी वक्त, साइमल्टेनियसली मतलब क्या हो गया, उसी टाइम। ये नहीं कि वो उसको होल्ड कर रहा है, फिर उसका वेट कर रहा है, फिर उसको बेच रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि दो पर्टिकुलर एक्सचेंज होने चाहिए,
उसमें आपने ख़रीदा और तुरंत बेचा, तो ये जनरली पार्ट क्या आ गया, आर्बिट्रेज से रिलेटेड आ गया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब जनरली आप स्पेकुलेशन का काम करोगे तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो ये बोला इंटरनेशनल आर्बिट्रेज इज़ प्रॉफिटेबल व्हेन प्राइसिंग इन एफिशिएंसी अकर ड्यू टू फैक्टर सच एज टाइमिंग एंड एक्सचेंज रेट्स। आप वहाँ पे जाके देख लेना इंटरनेशनल आर्बिट्रेज में, मैंने ये भी पॉइंट कवर कर रखा है और ये मैंने क्वेश्चन नेट से उठाया है, तो सेम टू सेम आपको कभी ना कभी पॉइंट मिल जाते हैं। तो टाइमिंग का भी फ़र्क होता है और एक्सचेंज रेट्स का भी फ़र्क हो जाता है। आपको पता है कि आपने स्पॉट में क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपने फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 3 महीने का, तो 3 महीने का गैप है। इसके अलावा आपको पता है कि एक्सचेंज रेट में फ़र्क होने से भी आप आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, क्योंकि आज जो स्पॉट रेट है 3 महीने बाद वो स्पॉट रेट चेंज हो जाएगी और आपने आज ही फॉरवर्ड रेट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या पता आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी। अब आपको 17 दे रखा है, इसका मैंने पॉइंट भी कवर कर रखा है, तो एक बार अपन पहले ये पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर आप एक बार इसको पॉज करके ढंग से पढ़ लेना, फिर आपको जो मैं समझाऊंगा वो ढंग से आप समझ लेना ताकि आपको पूरा पॉइंट आ जाए। ये बोल रहा है स्टेटमेंट वन है, कवर्ड इंटरेस्ट रेट थ्योरी होल्ड्स दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज आर ऑफसेट बाय द स्पॉट ऑब्लिक फॉरवर्ड करेंसी प्रीमियम्स एज अदरवाइज इन्वेस्टर्स कुड अर्न ए प्योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो एक बार आप क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की शायद वो सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने इंटरेस्ट रेट पैरिटी, या सेकंड नहीं बाद की वीडियो है जिसमें मैंने इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये समथिंग आपको बताया था एक्सचेंज रेट थ्योरी से रिलेटेड। तो ये एक तरीके से वो इंटरेस्ट रेट थ्योरी है जो कि बता रहा है कि जहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो उस केस में आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी नहीं आती, यानी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी की। नहीं तो पिछली वीडियो भी देख लीजिए एक बार, कौन सी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की, उसमें मैंने कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में बताया कि किस तरीके से आर्बिट्रेजर अब प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी गेन करता है, ठीक है। और अभी मैं कवर कराऊंगा तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा इस पार्ट से रिलेटेड कि दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज आर ऑफसेट बाय स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसी प्रीमियम। मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए प्रीमियम होगा और दूसरे के लिए डिस्काउंट भी हो सकता है। तो फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू 1+ IDI/1+IF। डोमेस्टिक करेंसी की इंटरेस्ट ऊपर आएगी और फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट क्या आएगा, नीचे आएगा। अगर वो इक्वल में है तो उसे बोलेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी, लेकिन अगर जहाँ पे मार्केट में डिस्क्रिपेंसी भी, तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, नहीं तो आर्बिट्रेज का प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो अदरवाइज का मतलब क्या, नहीं तो इन्वेस्टर जनरेट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो तब तक तो क्या रहती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी रहती है। अनकवर्ड में क्या हो गया कि अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट थ्योरीज स्टेट दैट एक्सपेक्टेड एप्रिशिएशन ऑफ ए करेंसी इज ऑफसेट बाय लोअर इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही एक्सपेक्टेड एप्रिशिएशन हो जाता है करेंसी में तो वो किसके थ्रू ऑफसेट कर सकते हैं, लोअर इंटरेस्ट। लेकिन अगर डेप्रिशिएशन होता है तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, हायर इंटरेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कैसे, एक बार आप देख लीजिए, ये देखो दो पार्ट दे रखे हैं। अब अगर कवर्ड इंटरेस्ट रेट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, तो जनरली आप ये पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर के पॉइंट है, सेम है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है अज्यूम्स याहू इंक नाम से US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको अपने यूरोपियन एम्प्लॉइज को यूरो में पे करना है। कब, इन ए मंथ टाइम, मतलब 1 महीने का टाइम है, 1 महीने बाद पे करना है। अब वो अपने इंटरेस्ट रेट को कवर करने के लिए, मतलब जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको सही करने के लिए, उसको लग रहा है कि यार मेरे को नुकसान भी हो सकता है एक्सचेंज रेट का, तो उसको कवर, यानी एक्सचेंज रेट को कवर करने के लिए क्या कर रही है, तो याहू इंक कैन डू दिस इन मैनी वेज, वन ऑफ विच इज़ गिवन बिलो। तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन है इसके पास, कर सकती है कैसे, याहू कैन बाय यूरो फॉरवर्ड ए मंथ 30 डेज टू लॉक इन द एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉरवर्ड बाय करेगी। अब फॉरवर्ड बाय क्या करेगी, वो यूरो बाय करेगी। यूरो बाय का मतलब क्या हुआ, उसको जो डॉलर देने और बदले में यूरो मिलेंगे, लेकिन कब, वो फॉरवर्ड बाय का मतलब क्या होगा, 30 दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर का, तब जाके यूरो मिलेंगे। जैसे यूरो मिल गए एम्प्लॉय को पे कर देंगे, लेकिन आज बैठे थोड़े रहेंगे, आर्बिट्रेज के लिए क्या कर रहे हैं हम, सॉरी आर्बिट्रेज नहीं, कहने का मतलब एक तरीके से पैरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के लिए, यानी जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट सिचुएशन में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे ये, देन इट कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन डॉलर्स। तो इसका मतलब अभी तो डॉलर पड़े हैं और पेमेंट क्या करना है, 1 महीने बाद करना है, तब जाके हमें, हमारे पास क्या आएंगे, यूरो आएंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को हम आराम से यूरो पे कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास डॉलर पड़े हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अब 30 दिन के लिए एक तरीके से इन्वेस्ट कर लेते हैं, विच इट मस्ट कन्वर्ट द डॉलर टू यूरो। तो ये बोला देन इट कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन डॉलर फॉर 30 डेज, तो 30 दिन बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे यूरो में। जैसे ही यूरो में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास यूरो आ गए, तो हमने फॉरवर्ड बाय किया था,
तो उस केस में क्या हुआ, देखो ये बोल रहा है कि डॉलर हमारे पास जैसे ही इन्वेस्ट किए और एक महीने बाद डॉलर आए, उस डॉलर को हमने यूरो में कन्वर्ट किया और जैसे ही वो यूरो में कन्वर्ट हो गए तो उस केस में हमने यूरोपियन एम्प्लॉय को पे कर दिया। इसे हम बोलेंगे दिस इज नॉन एज कवरिंग, एज नाउ याहू इंक विल हैव नो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क, तो यहाँ पे उसकी कोई रिस्क नहीं रही। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने क्या करा, ये फॉरवर्ड जो यूरो बाय करा इसकी जगह आप क्या करो, उसी दिन स्पॉट एक्सचेंज रेट में, फॉरवर्ड मार्केट में मत जाओ, आप स्पॉट एक्सचेंज रेट में क्या करो, उन डॉलर्स को, क्योंकि आपके पास डॉलर है, उनको यूरो में कन्वर्ट करो। जैसे ही आपने यूरो में कन्वर्ट करा तो आप एक महीने का ब्याज खा सकते हो, मतलब ले सकते हो। देन इट कैन इन्वेस्ट द यूरो मनी इट हैज़ ऑब्टेंड इन यूरोपियन बॉन्ड फॉर वन मंथ विच विल हैव एन इक्विवेलेंटली लोन ऑफ यूरो फॉर 30 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से जहाँ पे आपने जैसे ही इन्वेस्ट किया तो आपको एक महीने का ब्याज एक तरीके से मिल गया, तो आपको जो लॉस लग रहा था वो आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद आराम से जो भी फ्लक्चुएशन होगा उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आपने एक तरीके से उनके थ्रू कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा लिया। देन याहू कैन पे द ऑब्लिगेशन इन यूरो आफ्टर वन मंथ, क्योंकि आपने डॉलर को यूरो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दो ऑप्शन हो गए जिसमें क्या हो रहा है, कवरिंग हो रही है। तो ये बोला अंडर दिस मॉडल इफ याहू इंक इज श्योर दैट इट विल अर्न एन इंटरेस्ट इट मे कन्वर्ट फ्यूअर डॉलर्स टू यूरो टुडे, तो मतलब आज ही कर देंगे ये। द रीजन फॉर दिस बिंग द यूरो ग्रोथ वाया इंटरेस्ट अर्न, इसका मतलब क्या, यूरो किसके थ्रू ग्रो हुआ, इंटरेस्ट अर्न के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कवरिंग बिकॉज बाय कन्वर्टिंग द डॉलर टू यूरो एट द स्पॉट रेट, क्योंकि क्या पता एक महीने बाद यूरो अगर महंगा भी हो जाता है तो आपने इंटरेस्ट कमाने के थ्रू जो भी प्राइसेस महंगी हुई है उसको कवर कर लिया। तो याहू इज एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये क्या हो गई अपनी कवरिंग वाली। अब क्या बची, अनकवरिंग। अब देखिए आप क्या करिए कि जैसे कवर्ड वाला एक बार ढंग से देख लीजिए वापस से, फिर उसके बाद आप अनकवर्ड पे आके देखिए, तो आपको अनकवर्ड का देखो ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट वही है जो अभी भी मैंने बताया कि एप्रिसिएशन किसके थ्रू होगा, लोअर इंटरेस्ट के थ्रू, और डेप्रिसिएशन किसके थ्रू होगा, हायर इंटरेस्ट के थ्रू नलीफाई होगा। तो ये बोला कि अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल में अगर कवर्ड इंटरेस्ट रेट की जगह जो बोल रखा है कि अनकवर्ड का यूज़ करते हैं, द अदर मेथड दैट याहू इंक कैन इंप्लीमेंट इज टू इन्वेस्ट द मनी इन डॉलर एंड चेंज इट फॉर यूरो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर वन मंथ। अब देखो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने उस वाले में बोला कि डॉलर को किस में कन्वर्ट कर दो, यूरो में, और यूरो से रिलेटेड यूरोपियन बॉन्ड खरीद लो जिससे आपको जो भी इंटरेस्ट होगा तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो इफेक्ट को, वो पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, डॉलर में इन्वेस्ट करो और यूरो में चेंज कब करोगे, एक महीने बाद। तो क्या बताओ आपने कवर किया क्या इसको, नहीं कवर किया, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी कंट्री की करेंसी में ही क्या कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, और कब चेंज कर रहे हो, एक महीने बाद। तो बताओ एक महीने बाद तो फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, जैसे आप क्या करोगे डॉलर को कन्वर्ट करके यूरो में लोगे यानी यूरो बाय करोगे, तो क्या पता रिस्क भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कवर्ड नहीं है और वो अनकवर्ड है। इस मेथड को बोला जाता है अनकवर्ड, एज द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज इमिनेंट इन सच ट्रांजेक्शन, इसका मतलब अवश्य रूप से होगी ही होगी, इस ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन तो होगी ही होगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन को लोअर इंटरेस्ट से ही नलीफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गई तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इन्वर्स बोलते हैं कि अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है तो लोअर इंटरेस्ट से नलीफाई होता है, और डेप्रिसिएशन होता है तो हायर रेट से होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको स्पेकुलेटर बताया था और आर्बिट्रेजर बताया था कि आर्बिट्रेजर जनरली क्या होता है। तो एन आर्बिट्रेजर इन फॉरेन एक्सचेंज इज ए पर्सन हु अर्न्स इलीगल प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, नहीं वो लीगली काम करता है। कॉजेज डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट इन डिफरेंट ज्योग्राफिक मार्केट, नहीं, अगर ये टिपिकल यानी प्रॉपर मीनिंग नहीं है, मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर मीनिंग क्या है, साइमल्टेनियसली बाइज लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेल इट इन अनदर मार्केट। अगर आप ये वाला बोलोगे डिफरेंस क्रिएट करता है तो जनरली वो स्पेकुलेटर होता है, क्या होता है स्पेकुलेटर, तो बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आर्बिट्रेजर तो क्या करता है, मार्केट की जो इनएफिशिएंसी है उसी के थ्रू कमाने की सोचता है। तो वो उसी वक्त साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट में सिक्योरिटीज़ को या करेंसी को खरीदेगा, फिर इसको क्या करेगा दूसरे पर्टिकुलर मार्केट में बेच देगा। जैसे मैंने स्पॉट फॉरवर्ड या अभी आपको जैसे बताया कि कवर जैसे करा, तो कवर क्या करा, अब अगर उधर मार्केट इनएफिशिएंसी है तो जो कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी आप देख रहे हो, कहने का मतलब जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी देख रहे हो, तो अगर मार्केट की डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो वो प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है पर्सन, याद रखना, तो वो आर्बिट्रेजर कहलाएगा क्योंकि उस केस में उसको प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। और 19, और अगर आपको नहीं आ रहा तो पिछली मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की वीडियो जरूर देखिए। इन्वेस्टर्स एंगेज इन वैन दे मूव फंड इन टू फॉरन करेंसी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अब्रॉड दैट आर हायर दैन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आपकी कम है
और इंटरेस्ट रेट जो बाहर की है वो ज़्यादा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की सोचेगा, जो कि मैंने आपको कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में समझाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे टाइम नहीं ख़राब करूँगा, नहीं तो मेरे 10 मिनट और चले जाएंगे। पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की है, तो मैंने उसमें कैसे आपको एक मैंने लास्ट में एग्जाम्पल बताया अच्छा वाला, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे भी मैंने 12% और 8% का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। फिर इसके बाद और आप बोलोगे सर ये शॉर्ट लॉन्ग ये सब मैंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बताए हुए, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये है, ये बात नहीं है कि मैंने बताया नहीं है। 20 बोल रहा है सपोज दैट बोइंग इज़ टू रिसीव पेमेंट इन यूरोज इन 6 मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, वहाँ पे आपको क्या करना था, पेमेंट करना था, तो आपको यूरोपियन एम्प्लॉयज को पेमेंट करना था, तो आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करा, फॉरवर्ड बाय का कवर करने के लिए। पहला ऑप्शन बताया था मैंने, क्या करा आपने, यूरोपियन जो भी करेंसी है, यूरो करेंसी है, उसको अभी से क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और आपके पास अभी डॉलर पड़े थे तो आपने उनको एक तरीके से क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। यही तो पर्टिकुलर पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना है, पेमेंट नहीं करना, आपको अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है किसमें, यूरोज में, इन 6 मंथ मतलब 6 महीने बाद, एंड वांट टू एंगेज इन हैजिंग, और आप अपने आपको क्या करना चाहते हो, हैजिंग में, यानी ताकि आपको कोई लॉस ना हो। तो फर्म वुड, अब फर्म क्या करेगी इस केस में, उस केस में मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड बाय, इस केस में क्या बोलूँगा, फर्म वुड सेल यूरोज ऑन 6 मंथ फॉरवर्ड मार्केट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरवर्ड मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करेगी, वो फॉरवर्ड सेल करेगी, उस केस में क्या बताया था, फॉरवर्ड बाय, इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड सेल। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सेल करेगी, अब बताओ एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेल करेगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरवर्ड मार्केट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम ए। अब वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है किससे, क्योंकि आपको पता है कि वो सेल कर रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया था बाय क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बाद में उसको ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़ जाए। इसका मतलब करेंसी अगर अप्रिशिएट हो गई और जब वो यूरो को कन्वर्ट करेगा तो बाद में पता चले लॉस हो गया, तो एक तरीके से इसलिए उसने भी क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट करा था। यहाँ पे हमने क्या करा है, फॉरवर्ड सेल, ठीक है। तो अगर हम फॉरवर्ड सेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने करेंसी की प्राइस बोल दी कि 55, अब मैंने क्या बोल दी 55, तो अगर 55 से कम हो जाता है तो मेरा पार्ट क्या हो गया, एक तरीके से रिलैक्स हो गया मैं, मुझे पता है कि 55 में तो बिकेगा ही बिकेगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुद को किससे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कि अगर यूरो डेप्रिशिएट हो जाता है तो मैंने पहले से ही फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और बाय के केस में क्या होता है, एप्रिसिएशन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और सेल के केस में डेप्रिसिएशन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 20 का क्या होगा, बी। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जितना मैं चाहता था उतना मुझे बेनिफिट नहीं मिला है, मुझे पता है, क्योंकि जितने मेरे मंथ में सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए थे और ओके क्या हो रहे हैं, जो फालतू वीडियोज़ या मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में आएंगे, लास्ट मतलब जून अटेम्प्ट है ना, तो आप देख लेना लास्ट के 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में आएंगे और बोलेंगे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे और आपके बोलोगे कि हमारा पार्ट पूरा का पूरा कवर हो गया, थैंक यू सर आपकी वजह से पास हुआ, जबकि आपने मेहनत क्या की थी, खुद ने ही की थी। तो हम तो एक आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि रिकग्निशन हर किसी को चाहिए होता है, ठीक है, आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए।